एक गीत और मैं अपनी ओर से लेकर चल रही हूँ, दोनों आप सबकी जानी पहचानी है, गाया फिल्म वालों ने। गाया फिल्म वालों ने, अरे जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, निवेदन है आप सभी गीत को सुनेंगे। अरे वरदानी का वर्थ प्रबल, मुकेश भैया भगवान श्री राम का वनवास हो गया, भरत जी ननिहाल से लौटकर वापस अयोध्या आ गए, सुना भरत लाल ने कि भैया का वनवास हो गया है और इन सब का कारण है हमारी माता कैकेयी, पिताजी का मरण हो गया, भैया का वनवास हो गया, लेकिन इन सब का कारण है माता कैकेयी। पहुंच गए भरत लाल कैकेयी के पास और कहने लगे कैकेयी से, क्या है माँ कैकेयी, तुम्हें भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि तुम्हें महाराज दशरथ जैसे प्रतापी वर मिलेंगे और मिले भी, लेकिन लेकिन अरे वरदानी का वर्थ प्रवर, वर में मिला तुझको प्रियवर, महाराज दशरथ जैसे पति मिले और तुम दोनों पति पत्नी को, अरे वर वरनी को प्रिय रघुवर, वो राम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे, तुम दोनों को जिन राम को तुमने वनवास भेज दिया, अरे वर वरनी को प्रिय रघुवर, फिर वर से मांग लिए क्यों वर, वर से मांग लिए क्यों वर, और तूने अपने वर से ऐसे वर मांगे जिनके कारण तू कल्हा कुबरी की गुटलाई में, इस कुबरी मंथरा की वर्णी में तू कल्हा के कई कहलाई, अरे कल्हा कहाई कुबरी की गुटलाई में, रह के गई तूने ऐसी मांग मांगी जिससे ये मांग गई मांग गई मांग गई में, यहाँ मांग मांगने से ये मांग जा रही है। गीत में
हर जगह बदलाव आपको मिलेगा। इधर इस मांग के मांगने से ये मांग जा रही है और मांगे पूरे गीत में केवल दो ही हैं, एक ये मांग यानी कुछ मांगना और ये मांग। यहाँ मांग मांगने से ये मांग जा रही है, ऐसी मांग मांगी महाराज दशरथ का मरण हो गया। अब देखें इस मांग के मांगने से होता क्या है, क्या है बेटा? कहा जाता है अरे करते नमन उन्हें दिन कर के दिखला दे, ऐसी नारी को स्वयं भगवान सूर्य देवता नमन करते हैं। पर सावित्री ने ऐसा ही किया, जब सत्यवान के प्राण ले गए अपराज, सावित्री ने किया क्या? क्या बेटा? अरे कर पीछा पति का चल कर, क्या कर पीछा पति का चल कर। तो पहले तो यमराज ने कह दिया कि सावित्री मेरे पीछे पीछे मत आओ, क्योंकि विधि के विधान में ऐसा नहीं लिखा कि एक बार किसी के प्राण ले लिए जाए फिर वापस कर दिए जाए, इसलिए तुम वरदान मांग लो लौट जाओ। कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर का राज वापस आ जाए, नेत्र वापस आ जाए। ये सब मांग लिया यमराज, फिर आगे चले, पीछे मुड़कर देखा तो देख रहे सावित्री अब भी चली आ रही है। जब देखा कि सावित्री अब भी आ रही है, यमराज ने कहा सावित्री एक वरदान और मांग लो लेकिन लौट जाओ, क्योंकि विधि के विधान को मैं नहीं तोड़ सकता। पति के प्राण मत मांगना, एक वरदान और मांग लो। कहा प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते तो ऐसा वरदान दें कि मैं 100 पुत्रों की माँ बन जाऊं। यमराज ने सोचा ना विचारा, कह दिया यो मस्तु। जब यो मस्तु कह दिया तो बाबा नारद आ गए। कहा यमराज आपने कह दिया कि 100 पुत्र हो जाएंगे, लेकिन जिनसे इनके 100 पुत्र होने हैं उनको तो अपने साथ लिए जा रहे हैं, 100 पुत्र होंगे कहाँ से? आप वो विधि का विधान नहीं तोड़ सकते तो ये आपने वरदान कैसे दे दिया? तो जब इतनी बात यमराज ने सुनी तो यमराज ने कहा सावित्री तूने ऐसी मांग मांगी है तो मैं तुझे मांग तो तेरी पूरी करूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। सावित्री ने कहा मुझे क्या करना होगा? कहा मैं सत्यवान के प्राण लौटा रहा हूँ, लेकिन तू अपनी आधी उम्र सत्यवान को दे दे, तो जब तक तू जिएगी तब तक सत्यवान जिएगा। जब इतना कह दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए तो बड़े भैया मुकेश भैया मेरी पत्नी कह रही है क्या बेटा? अरे कर पीछा पति का चल कर, तो कर दिया अभय है वर दे कर, कर दिया अभय है वर दे कर। तो सह में मुकेश भैया, अरे सह में सावित्री सत्य की सत्यताई में, अरे मांग मिली। उधर भक्ति कह रही है मांग गई, मांग मिली मां की मंगाई में, हाँ मंगाई में, ये मांग मिली मांग की मंगाई में, ओ मांग मिली मांग की मंगाई, ओ मांग मिली मांग की मंगाई में, ओ मांग मिली मांग की मंगाई में। मुकेश भैया मांग गई मांग की मंगाई में, मांग मिली मांग की मंगाई में। अब देखे अंतिम पंक्तियां गीत की देखे, जब भगवान श्री आदि गणेश ने सिंदूरासुर दैत्य के सर को काट दिया तो सिंदूरासुर की पत्नी सिंदूरी गणेश जी के चरणों में आरजू मिन्नत करने लगी बेटा और कहने लगी गणेश जी से, अरे
सर ने सर का काटा सर तो शरण गिरी पत्नी रख सर चरणों में गिर पड़ी सिंदूरी और कहने लगी सरकार करूं मैं कैसे बसर आपने मेरे पति को मार दिया है अब इनके इनके बिना मैं इस दुनिया में कैसे रहूं सरकार करूं मैं कैसे बसर तो सर आजाद कहे उसे अवसर सर आजाद कहे उसे अवसर कहा सिंदूरी सुन अरे पति में पत्नी की सच्ची लगन की लगाई आज पति के प्रति तेरा ये प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तो सिंदूरी जा जा मैं वरदान दे रहा हूँ कि तेरा ये पति सिंदूरासुर सिंदूर बन जाए जा तू अपनी मांग भर ले जब वरदान दे दिया सिंदूर बन जाए तो बड़े भैया मेरी पत्नी कह रही है के पति में पत्नी की सच्ची लगन की लगाई में मांग भरी मांग भरी मांग भरी मांग की मंगाई में हाँ मंगाई में मांग भरी मांग की मंगाई सच्चे दरबार की हमारी ओर से गीत रहा है।